हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज जैड। आप देख रहे हैं गिज़्मो ज्ञान। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम जब भी कोई न्यू स्मार्टफोन लेते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, बट हम देखते हैं कि टाइम के साथ साथ हमारा फ़ोन बहुत स्लो हो जाता है एंड काफ़ी लैग करने लगता है। आज मैं आपसे बात करूंगा उन फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से आपका फ़ोन स्लो हो जाता है एंड आप कैसे अपने फ़ोन को ठीक रख सकते हैं। सबसे पहला रीज़न है अपडेट्स। अपडेट्स दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है OTA अपडेट्स एंड दूसरी होती है एप्लीकेशन अपडेट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं OTA अपडेट्स के बारे में। OTA अपडेट्स आपको आपके स्मार्टफोन की कंपनी प्रोवाइड करती है। आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि जैसे आपका फ़ोन एंड्रॉयड लॉलीपॉप पे तो सही चल रहा है, बट जैसे ही मार्शमेलो का अपडेट आया आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आने लग गई, या मार्शमेलो में सही चल रहा है एंड्रॉयड नोगेट के साथ प्रॉब्लम आ गई। थ्री रीजंस मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से अपडेट करने के बाद हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम आने लगती है। फर्स्ट रीज़न है आपके फ़ोन की रैम। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक न्यू फ़ोन लिया 1GB रैम के साथ, उसमें आपको एंड्रॉयड किटकैट मिला। तो एंड्रॉयड किटकैट के साथ तो आपका फ़ोन सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी आपको, बट जैसे ही कंपनी ने एंड्रॉयड लॉलीपॉप का अपडेट आपको दिया आपका फ़ोन स्लो होने लगा, क्योंकि एंड्रॉयड लॉलीपॉप को ज़्यादा रैम की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके फ़ोन की रैम कम है और कंपनी आपको लेटेस्ट अपडेट दे रही है तो भी आप अपडेट मत कीजिए, जैसे आप यूज़ कर रहे हैं वैसे यूज़ करते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड फैक्टर है रीसेट। अगर आपके फ़ोन की रैम भी ठीक है तो भी लेटेस्ट अपडेट के बाद आपका फ़ोन स्लो हो गया है तो आपको फैक्ट्री रीसेट करना होगा, क्योंकि अगर आपको अपडेट में सिक्योरिटी पैचेस वगैरह मिलते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपके एंड्रॉयड का वर्जन ही चेंज होता है, जैसे आप पहले मार्शमेलो यूज़ कर रहे थे अब आपको एंड्रॉयड नोगेट का अपडेट मिल गया, तो ऐसे केस में आपको फैक्ट्री रीसेट जरूर करना होगा, तभी आप लेटेस्ट अपडेट के बाद फ़ोन को स्मूथली यूज़ कर पाएंगे। थर्ड रीज़न है आपको OTA प्रोवाइड करवाने वाली कंपनीज। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक टाइम दे दिया जाता है कि इस टाइम तक आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड अपडेट मिल जाएगा, बट डेडलाइन आने तक कंपनी काम पूरा नहीं कर पाती एंड बिना प्रॉपर टेस्टिंग किए अपडेट को रोल आउट कर देती हैं। फिर आपको आपके फ़ोन में अपडेट के साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाते हैं, कभी आपके फ़ोन की बैटरी में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी नेटवर्क इशू हो जाता है। इन साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए फिर कंपनी एक न्यू अपडेट रोल आउट करती हैं। तो जब भी कोई न्यू अपडेट आए, अपडेट करने से पहले आप ऑनलाइन रिव्यू चेक कीजिए एंड चेक कीजिए किसी को अपडेट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई, और अगर आपको नेगेटिव रिव्यूज़ मिलते हैं तो आप अपडेट मत कीजिए और नेक्स्ट अपडेट का वेट कीजिए। इस तरह से आप OTA अपडेट से होने वाली प्रॉब्लम से अपने फ़ोन को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन अपडेट की। जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल मार्केट में कितने न्यू स्मार्टफोन्स आ रहे हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के साथ। प्ले स्टोर से जितनी भी हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उन एप्लीकेशंस के डेवलपर टाइम के साथ साथ अपनी एप्लीकेशंस को अपडेट करते रहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपडेट हमारे फ़ोन के साथ भी कॉम्पैटिबल हो। अगर आपका फ़ोन उस अपडेट को एक्सेप्ट नहीं करता तो जब भी वो एप्लीकेशन आप यूज़ करेंगे आपका फ़ोन लैग करने लगेगा, फिर आपको वो एप्लीकेशन क्लोज करके फ़ोन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा फिर से नॉर्मल यूज़ करने के लिए। इस प्रॉब्लम से बचने का सोल्यूशन ये है, अगर कोई भी न्यू एप्लीकेशन अपडेट आता है तो अपडेट करने से पहले आप एक बार रीड कर लीजिए कि उस अपडेट में आपको क्या मिल रहा है। अगर कोई ज़रूरी फीचर्स ना मिल रहे हों तो आप एप्लीकेशन अपडेट मत कीजिए। और अगर आप 2GB से ज़्यादा रैम वाला कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो तो मोस्ट केसेस में अपडेट करने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपडेट्स के बाद दूसरा फैक्टर है आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस डाउन होने का, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन। बहुत बार ऐसा होता है हम ट्राई करने के लिए कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं बट उन्हें यूज़ नहीं करते एंड बाद में उन्हें अनइंस्टॉल करना भी भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप अपनी फ़ोन की एप्लीकेशन चेक कीजिए, जो एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते उन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए। थर्ड रीज़न है फाइल सिस्टम। जैसे जैसे हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमारे फ़ोन में बहुत से फोल्डर एंड फाइल्स बनते हैं। इनमें से कुछ फोल्डर एंड फाइल्स तो आपने ही बनाए होंगे, बट ऐसे बहुत सी जंक फाइल्स एंड फोल्डर्स आपके फ़ोन में बनते हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि जो भी एप्लीकेशंस हम अनइंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन से वो पूरी तरह से रिमूव नहीं होती, उसकी फोल्डर एंड फाइल्स आपके फ़ोन की स्टोरेज में ही सेव रहती हैं, जिसकी वजह से आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस डाउन होने लगती है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि कम से कम 3 महीने में एक बार अपने फ़ोन का बैकअप लेकर आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कीजिए। इन सब बातों का ध्यान रखकर आप अपने फ़ोन को काफ़ी लंबे टाइम तक ठीक से चला सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।